स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 को लेकर अभी से ही काफी सारी अपडेट्स हर टीम के लिए निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहां पर हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जहां पर एक और बड़ी खबर RCB की टीम को लेकर आ रही है और एक और बड़ा बदलाव RCB की जो टीम है वो अपने स्क्वाड में, अपने मैनेजमेंट में जो है वो करने वाली है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी हैं IPL के फैन, RCB के फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर बात करें तो RCB की टीम उन टीमों में से है जिन्होंने IPL के सारे सीजन खेले हैं, लेकिन एक भी किताब RCB के नाम जो है वो नहीं है। यहां पर IPL 2020 में RCB की टीम काफी सारे चेंजेस करने जा रही है, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये टीम जो है वो प्ले ऑफ तक भी नहीं पहुंची है। जहां पर दोस्तों इन्होंने अपना हेड कोच जो है वो चेंज कर दिया है, साइमन कैटिज जो है वो है नए हेड कोच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। इसके बाद इन्होंने आशीष नेहरा को भी बाहर कर दिया है, जो कि बॉलिंग कोच थे, मेंटोर थे, उन्हें यहां पर बाहर कर दिया है। और इन्होंने माइक हैसन को भी अपॉइंट किया है IPL 2020 के लिए एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस। तो काफी सारे चेंजेस RCB की टीम जो है वो कर चुकी है IPL 2020 के रिगार्डिंग। और यहां पर एक और बड़ा बदलाव रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम करने वाली है और एक नया बैटिंग कोच जो है यहां पर RCB की टीम चुनने वाली है, जिसके लिए नाम जो निकल कर सामने आ रहा है वो है दोस्तों संजय बांगर का। जी हां दोस्तों, संजय बांगर जो है वो हो सकते हैं नए बैटिंग कोच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के IPL 2020 में। बात करें अगर संजय बांगर की, तो कुछ दिनों पहले तक यहां पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच थे संजय बांगर, लेकिन अभी उन्हें इस पद से हटाया गया है और टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच जो है वो बने हैं विक्रम राठौर। ऐसे में संजय बांगर के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तगड़ा एक्सपीरियंस है बैटिंग कोच का, और ऐसे में यहां पर RCB की टीम इस एक्सपीरियंस का यूज करना चाहती है और इन्हें जो है वो बनाना चाहती है IPL 2020 के लिए अपना बैटिंग कोच। तो यहां पर संजय बांगर जो है वो हमें नजर आ सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बैटिंग कोच के पद पर। यहां पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताया तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है वो बैटिंग कोच पर इतना भरोसा नहीं करती, बैटिंग कोच का अपना पद जो है वो खाली ही रखती है। IPL 2019 में इनका कोई भी बैटिंग कोच नहीं था, IPL 2018 में इनका कोई भी बैटिंग कोच नहीं था, लेकिन यहां पर अब इस पद को भी भरने वाली है RCB की टीम और IPL 2020 में बैटिंग कोच के साथ जो है वो उतरने वाली है, जो कि हो सकते हैं संजय बांगर। अब देखते हैं दोस्तों इसकी कंफर्मेशन कब तक आती है। क्या आप चाहते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बैटिंग कोच बने संजय बांगर या फिर नहीं, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।